या आप एमेजन पे अनब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं अपने ब्रांड नेम से या एमेजन पे सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज है कि किस तरह कोई भी प्रोडक्ट एमेजोन पर सेल किया जा सकता है जिसमें कि अपना ब्रांड भी हो पर जैसे आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं और अपना ब्रांड नेम टाइप करते हैं तो आपको एरर कोड 5665 का सामना करना पड़ता है तो आखिर एरर कोड 5665 क्यों आते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग में और कैसे आप बिना किसी एरर के अपना प्रोडक्ट लिस्टिंग सक्सेसफुली एमेजन पर कर सकते हैं चलिए जानते हैं सेलर्स के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज है उसमें से एक है अपने ब्रांड नेम से प्रोडक्ट सेल करना पर अपना ब्रांड नेम से प्रोडक्ट सेलिंग करने के लिए आपके ब्रांड पहले अप्रूव्ड होनी चाहिए अमेजन पर बिना अप्रूवल के आप प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर सकते हैं अपने ब्रांड नेम से और इसलिए आपको एरर कोड फाइव आते हैं जब भी आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अपनी ब्रांड नेम से ये अप्रूवल प्रोसेस एमेजन पे इसलिए है ताकि जेनुइन या ऑथेंटिक प्रोडक्ट ही सेल हो कोई भी सेलर फेक आइटम्स या डुप्लीकेट आइटम्स एमेजोन प्लेटफॉर्म पर सेल ना कर पाए इसे अल्टीमेटली एमेजोन प्लेटफॉर्म का ही बदनाम होता है और ब्रांड अप्रूवल से प्रोडक्ट या ब्रांड ओनर को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी मदद मिलती है तो प्रोडक्ट या ब्रांड ओनर के पास क्या ऑप्शंस है प्रोडक्ट कोड फाइव डबल सिक्स फाइव कभी ना आए फर्स्ट ऑप्शन है आप सबके लिए ब्रांड रजिस्ट्री जिसमें ब्रांड या प्रोडक्ट ओनर अपनी ब्रांड को रजिस्टर कर सकते हैं अमेज़न पर ब्रांड रजिस्ट्री करने से काफी फायदे हैं सेलर्स के लिए जैसे प्रोडक्ट लिस्टिंग आप अपनी ब्रांड नेम से कर सकते हैं ए प्लस लिस्टिंग कर सकते हैं जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट अपनी ब्रांड को बहुत अच्छी तरीके से शोकेस कर सकते हैं कस्टमर्स के लिए अपने ब्रांड स्टोर अपना आप आप बना सकते हैं जिसमें आप एक डेडिकेटेड स्टोर होता है जिसमे की आपकी आप सारी प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हैं और प्रोमोट कर सकते हैं और आप ब्रांड रजिस्ट्री के माध्यम से अपनी ब्रांड को भी प्रोमोट कर सकते हैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स के कैंपेन के माध्यम से प्रोडक्ट पेज पर भी आपका कंट्रोल होता है तो कोई भी सेलर आपके प्रोडक्ट पे मैप नहीं कर सकते हैं अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं तो ब्रांड रजिस्ट्री होने के बाद आपका ब्रांड प्रोटेक्ट रहता है अमेज़न पर कोई भी सेलर आपकी ब्रांड नेम से प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हैं जब तक ना आप अप्रूवल देंगे अब चलिए जानते हैं कि अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री के लिए क्या चाहिए आपके ब्रांड नेम के साथ ब्रांड लोगो चाहिए जो या तो आपके प्रोडक्ट पे परमानेंटली प्रिंटेड या चिपका हो हो या आपके प्रोडक्ट पैकिंग मटेरियल पर प्रिंटेड और इसके साथ साथ आपको चाहिए आपकी ब्रांड नेम की एक्टिव रजिस्टर ट्रेडमार्क इसमें अगर आपकी ब्रांड नेम और लोगो पे ट्रेडमार्क एप्लीकेशन स्टेटस में भी है या पेंडिंग रजिस्ट्रेशन स्टेटस में भी है तब भी आप ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ट्रेडमार्क रेडी है तो अमेजन ब्रांड रजिस्ट्री के लिए आपको जाना है ब्रांड पे और एक बार आपके ब्रांड रजिस्ट्री हो जाने के बाद आप प्रोडक्ट लिस्टिंग इजीली कर सकते हैं अपनी ब्रांड नेम से अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सजेशन भी दे अपना की आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आके जरूर हमें बताइए अब अगर सेलर का ब्रांड अप्लाइड या रजिस्टर्ड नहीं है ट्रेडमार्क के साथ तब भी वे अमेज़न पे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं अपनी ब्रांड नेम से तो सेकेंड ऑप्शन ये है अमेज़न पर ब्रांड अप्रूवल रिक्वेस्ट देना यानी कि जीटीएन एग्जीबिशन या कैटलॉग ऑथोराइजेशन ये दोनों ही टर्म्स ब्रांड अप्रूवल के लिए ही है जो हेल्प करता है ऐसी अनर ब्रांड एंड ओनर्स को एमेजोन पर प्रोडक्ट लिस्टिंग अपने ब्रांड नेम से करने के लिए ध्यान दीजिए जो भी ब्रांड एमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री के साथ रजिस्टर्ड नहीं है वो सारे ब्रांड एमेजन पे अनरजिस्टर्ड ब्रांड कहलाता है जीटीएमशन या कैटलॉग ऑथोराइजेशन प्रोसेस में ट्रेडमार्क की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है पर यह भी इंपॉर्टेंट है अपनी ब्रांड से सेलिंग करने के लिए ब्रांड का नाम या लोगो प्रोडक्ट पे या पैकेजिंग पे किसी भी तरह फिक्स्ड होनी चाहिए चाहे प्रिंटेड या स्टिच या टैग्स हो सकता है इस प्रोसेस को करने के लिए ब्रांड ओनर्स को सेलिंग एप्लीकेशन कंप्लीट करना पड़ता है सेलिंग एप्लीकेशन के लिए सेलर सेंट्रल में डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं हाउ टू एनरोल विद जी टी एन एक्समशन या एरर कोड फाइव डबल सिक्स फाइव मैसेज जो आपको रिसीव हुआ है आपको मिला है वहीं पे आपको लिंक मिल जाता है सेलिंग एप्लीकेशन पेज पे जाने के लिए सेलिंग एप्लीकेशन पेज पे जाने के बाद कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना होता है और जिस कैटेगरी में आप प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहेंगे अपने अनरजिस्टर्ड ब्रांड नेम से और नेक्स्ट आपको अपनी ब्रांड की एटलीस्ट वन इमेज अपलोड करना होता है जिसमें आपका ब्रांड नेम प्रोडक्ट पे या पैकिंग पे क्लियरली विजिबल हो या ये ब्रांड ओनर्स की जिम्मेदारी है कि वो सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें जैसे इमेजेस जो आप अपलोड करेंगे उसमें ब्रांड नेम या लोगो कम्प्लीटली मैच करना चाहिए जो भी आपने ब्रांड नेम टाइप किए हैं अप्रूवल के लिए ब्रांड नेम और लोगो किसी भी एंगल से कंप्यूटर जेनरेटेड या डिजिटली एडेड यानी कि फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से एडिट किया हुआ नहीं होना चाहिए ब्रांड नेम और लोगो परमानेंटली अफिक्स्ड होनी चाहिए प्रोडक्ट पे या पैकेजिंग पे बस स्टिकर स्टैम्प या हैंड रिटेन या किसी भी तरह ऊपर से चिपका हुआ कोई भी इमेज एक्सेप्टेबल नहीं होगा ऐसी ब्रांड नेम होनी चाहिए जो किसी दूसरे ब्रांड से मिलता ना हो जिसे ट्रेडमार्क यानी ट्रेडमार्क वायलेशन हो सकता है करने के आप देख सकते हैं, में, में जाके व्यू सेलिंग एप्लीकेशन पेज से अप्रूवल मिलने के बाद आप अपनी उसी ब्रांड नेम से प्रोडक्ट लिस्ट कर पाएंगे अगर आपको ब्रांड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइए और ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पे देखना पसंद करेंगे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए